करते हैं इंडियन सुपर फूड की, जो कि सुपर हेल्दी होता है, जो कि ये होली का जो मौसम होता है इसके अराउंड हर किसी के घर में लगभग वो डिश बनती है, जिसे हम चाक्सू बोलते हैं या फिर चास्कू भी इसको बोला जाता है, बट एक्चुअली इट इज चाक्सू, क्योंकि चाक्सू ट्राई हुआ है चक्षु से, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो आपके आइज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इस मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो कैशिया एप्सिस जिसका बोटानिकल नेम है उसके सीड्स की, जिसको इंग्लिश में हम जैस्मिन सीड्स भी बोल देते हैं, और आयुर्वेद में या फिर संस्कृत लैंग्वेज में जिसे हम वन कुल्थिका बोलते हैं, जिसका कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए, अगर आपको लगातार स्किन की इन्फेक्शन रहती हैं, फंगल इशू रहता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, कटु होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, तो इसलिए ये आपके स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा होता है जिनका बीपी रेगुलर इंक्रीज करता है, उनको डाउन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है। ये जिनको शुगर का इशू रहता है उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है, जिनको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, या फिर जिनको किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायबिटिक का काम करते हैं इसके सीड्स, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसमें से कोई प्रॉब्लम है, तो इसके आप सीड्स को रात को डिप करके और सुबह छान कर वो वाला पानी रूटीन में अगर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसकी जो वीर्य या पोटेंसी होती है या फिर तहसीर जिसे हम बोल देते हैं वो ठंडी होती है, तो ये आपके कफ और पित्त को भी डाउन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसकी पंजीरी ऐसे बना के ले सकते हैं।